प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। प्रधानमंत्री आज थिम्पू में भारत की सहायता से निर्मित ग्यालसुएन जेटसोन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा आतंकवादी हमला, अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से अधिक जख्मी। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। मॉस्को में हुए आतंकी हमले की चौतरफा निंदा, अमेरिका ने हमले पर चिंता जताते हुए यूक्रेन की भूमिका से किया इनकार। इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, सर्बिया और बेलारूस के साथ कई देशों ने हमले की निंदा की। दिल्ली शराब घोटाले के कई राज से उठेगा पर्दा, 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आज भी रहेगा जारी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। उत्तर प्रदेश की बाकी 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का हो सकता है ऐलान। कांग्रेस ने प्रचारकों के चुनावी दौरे के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई। स्विस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे किदांबी श्रीकांत, अंतिम चार में चीनी ताइपे के लिन चुनयी से होगी भिड़ंत। प्रियांशु राजावत और किरण जॉर्ज क्वार्टर फाइनल में हारकर हुए बाहर। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स होंगे आमने सामने। दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। वहीं कल पहले मैच में गत विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने आरसीबी को 6 विकेट से दी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज